हर रोज आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि भैया हमारा ड्रीम है एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, हमें भी यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या करें भैया, क्या अलग चीज करें कि हम लोग उस रैंक तक, उस नंबर तक पहुंच पाए। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद अपने टाइम पे आजमाई थी और जिससे मेरा स्कोर भी बूस्ट हुआ और एज ए ड्रॉपर ये चीजें लास्ट के 2 महीने ने मुझे हेल्प की थी टू इम्प्रूव माई स्कोर एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भूलना नहीं, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में जितनी चीजें शेयर करने वाला हूं मैं, ये सारी चीजें ट्रायल एंड टेस्टेड है बाय मी। ठीक है, मैंने खुद अपने टाइम पे इसको ट्राई किया है और इस सारी चीजों ने मुझे हेल्प किया था लास्ट में 680 तक पहुंचने के लिए और फाइनली मेरा एडमिशन हुआ एम्स भोपाल में। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो गलती बच्चे करते हैं, रेट्रोग्रेड रिवीजन। ठीक है, लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, बच्चे करते क्या है कि रिवाइज करने का ट्राई करते हैं, रिविजन करेंगे फिर टेस्ट देंगे, रिविजन करेंगे फिर टेस्ट देंगे और इस वजह से वो प्रॉपर चीजें नहीं कर पाते और स्कोर उनका बढ़ता नहीं है। तो इस टाइम पे जो मैंने अपने टाइम पे किया था और मेरे आसपास बहुत लोगों ने किया था वो था रेट्रोग्रेड रिवीजन। रेट्रोग्रेड रिवीजन क्या होती है, पहले एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, उसमें जो जो गलतियां हुई उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो और उन टॉपिक्स पे इंप्रूव करो। ठीक है, नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, चीजें पढ़ ली बहुत सारी फिर टेस्ट दिया डिमोटिवेट हो गए, टेस्ट दो उसके बाद उन गलतियों को निकालो, क्या क्या गलतियां हुई थी, उनके टॉपिक क्या क्या थे, उन टॉपिक्स को इंप्रूव करो जितना भी गैप मिल रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टेस्ट दो, इससे तुम अपना स्कोर बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, वरना जो मैंने ड्रॉप ईयर में जो मेरा अटेम्प्ट नंबर 1 था, जो मेरी गलती थी वो यही थी कि भाई मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करना था लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता था और इस चक्कर में मैं टेस्ट से डरता था और टेस्ट से डरता था तो उस वजह से मेरे स्कोर भी नहीं आता था और मैं टेस्ट देता ही नहीं था और यही मेन रीजन था मेरे फेलियर का फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो इसको मैंने सुधार लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर पीवाईक्यूस का चैनल बनाना और मॉक टेस्ट। ठीक है, एक तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा, तुम्हें पिछले 35 इयर्स के पीवाईक्यूस चैप्टर वाइज करने हैं एक बार वापस से, लास्ट 2 मंथ्स में करने ही करने हैं। ठीक है, जब मैं अपना नीट का एग्जाम देने गया था ना तो मेरा नीट का पेपर लगभग 1.5 आवर्स 2 आवर्स में हो गया था। ठीक है, एक बार पूरा करके। ये कैसे हो पाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन या तो मेरे मॉक टेस्ट में से थे, ठीक है, या तो मेरे PYQs में से थे, तो इतने रिपीटेड क्वेश्चन देख के मैं बहुत तेजी से क्वेश्चन कर पाया था और पता था कि इसका आंसर ये है, ये तो यहाँ पे कर रखा है। तो लास्ट के 2 मंथ में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने क्या क्या किया था, पहले तो मॉक टेस्ट लगाए, सेकंड मैंने चैप्टर वाइज 35 इयर्स लगाए थे और थर्ड मैंने जो चीज की थी लगभग 2010 से लेके 2019 तक 9-10 साल के पेपर लगाए थे पेपर वाइज PYQ, ताकि एग्जैक्ट नीट का फील आए। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, कोई भी बुक मिल जाएगी, ओसवाल की बुक आप ले सकते हो, उसमें 17 इयर्स के अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो आपके 35 इयर्स है, अगर आपको इसकी वाइज चाहिए पेपर वाइज तो ये पूरी बुक है जिसमें 17 इयर्स के पेपर है 2006 से 2022 तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरे पेपर। ठीक है, तो इसमें पूरा 100% अपडेटेड पेपर है, 2022 का पेपर भी इसके अंदर है, क्रिस्प रिविजन के लिए नोट्स, निमोनिक्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ दे रखा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट ऑन वीडियोस। ठीक है, तो इससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिन बच्चों को एक PYQ बुक चाहिए पेपर वाइज, ठीक है, ये आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसके बाद भैया थर्ड पॉइंट बताइए क्या है इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है, अपने चीजों को पहले ही नीट के एम से सॉर्ट आउट कर लो। मतलब क्या, हमें पता ही नहीं होता बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं नीट में। ठीक है, पढ़ नहीं रहे ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखोगे कई बार ऐसा होता है ना, तो आप या आपका क्लास का कोई बैचमेट हो ऑलमोस्ट सेम पढ़ रहे हैं, एफर्ट सेम डाल रहे हैं, लेकिन वो बंदा 50-60 नंबर 80 नंबर एक्स्ट्रा ला पा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि ही हैज द क्लैरिटी। क्लैरिटी जो होती है ना बहुत जरूरी है। जब मैं अपना नीट का पहला अटेम्प्ट दे रहा था पता ही नहीं था कि लास्ट टाइम पे करूँ क्या। ठीक है, तो अभी से प्लान कर लो कि मेरे अभी 2 महीने बचे हुए हैं, जो नीट के लास्ट के 6 दिन हैं 1 मई से लेकर 6 मई, इनमें मैं क्या क्या करने वाला हूं और उस हिसाब से प्रिपेयर करिए अपने आप को। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे फिजिक्स के 50 कंसेप्ट लिख लिए थे कि यार ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, मुझे एक बार PYQ रिवाइज करना है वापस से, मुझे बायो की पूरी एनसीडी रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक का ये चीजें रिवाइज करनी है, सॉर्ट आउट था। ठीक है, बायोलॉजी के लिए NCERT एक बार रिवाइज कर लो। उस टाइम पे जो मेरे को मेन प्रॉब्लम हो रही थी, आपको भी शायद हो रही होगी, एग्जांपल्स,
ठीक है, कई बार तुम कितना भी पढ़ लो एग्जाम्पल्स तुम्हें याद नहीं होते, तो मैंने तुम्हारा काम सॉल्व कर लिया है, तुम एग्जाम्पल शीट निकाल लो, ठीक है, तुम्हें मैं हर चैप्टर की वो दे चुका हूँ टेलीग्राम के ऊपर रिविजन चेकलिस्ट, ठीक है, उसमें हर एक डेटा फैक्ट जो चीज़ें तुम भूल सकते हो, देखो होता है, मैंने क्या किया था, मैंने अलग से लिख रखा था, ठीक है, जो साइंटिस्ट है, जो डेटा था, जो फैक्ट थे, इकोलॉजी के जो ईयर्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने अलग से लिख रखी थी, क्योंकि वो भूलते हो, ठीक है, मेरा उतना कोई शार्प माइंड नहीं है, उतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि भाई मैं पहले बार पढ़ लिया याद हो गया, नहीं, ठीक है, अपन तो यार नया नया पढ़ना स्टार्ट किए थे ड्रॉप ईयर में, ठीक है, तो उतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सब कुछ एकदम प्रॉपर कर रखा था, रिवाइज करूंगा लास्ट में, और फायदेमंद हुआ, नीट में एकदम क्लिक हुआ, अरे अच्छा ये यहाँ पे था डेटा, ये फैक्ट, तो चार पाँच सवाल एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ठीक है, और मैंने आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम के ऊपर पूरा प्रॉपर बना के, ठीक है, इसके अलावा यू शुड नो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स नहीं आते, ठीक है, ताकि उनके एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला तुम कर लो, ऐसा नहीं कि मैं नीट के वक्त तो मैं पूरा सबके साथ आई वॉज 100% परफेक्ट, नहीं, कुछ वीकनेस मेरी फिर भी थी, ठीक है, 680 मार्क्स लाया हूं मैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और लगभग मैं सारा क्वेश्चन आ भी रहे थे, स्टिल आई एम कन्फेसिंग दिस कि भाई मेरा अभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ठीक है, कई टॉपिक्स मेरे बिलो एवरेज भी थे, कई टॉपिक्स, ठीक है, चाहे वो मैं बात करूँ बायोलॉजी की, चाहे वो बात करूँ फिजिक्स की, चाहे वो बात करूँ केमिस्ट्री की, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सब मिनिमम लेवल पे लेके आना है, मान लो मेरे को कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं था, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसिस्टर सेमीकंडक्टर में, जो अभी शायद हट भी गया पता नहीं, तो वो टॉपिक बिल्कुल नहीं था, मैंने क्या कर लिया, दो तीन पीवाईक्यू देख लिए, बेसिक फॉर्मूला देख लिया, करंट गेन क्या होता है, दो तीन चीज़ें देख ली, दैट्स इट, ठीक है, सेम चीज मॉडर्न फिजिक्स में कई जगह हुई, रे ऑप्टिक्स में भी मुझे काफी दिक्कत थी, मैंने मैक्सिमम चीज सॉल्व की वन शॉट देख के, तो ऐसे आपको चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा यार, एम्स बस हार्ड वर्क का नतीजा नहीं है, ठीक है, या इसके आगे जो भी है, आप मेडिकल फील्ड में घुस गए, आप चार पांच साल कॉलेज में मजे करोगे, उसके बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पीजी के लिए, अगर आपको करना है, ठीक है, तो फिर आपको इफ यू नो द स्मार्ट वे तो आप ले जाओगे आगे, ठीक है, अगर आपको पता है ना कि एग्जाम निकालते कैसे है, मैं 11-12 तक बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई बाकी टॉपर जैसे ओलंपियाड का नहीं है कि भाई मैं केवीपीवाई कॉलेज, और मुझे खुद को पोर्ट्रे भी नहीं कर रहा कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इसमें आ गया, ठीक है, मेरे पास कोई केवीपीवाई एनटीएससी कहीं का स्कॉलर नहीं हूँ मैं, आईएमओ आईबीओ जो भी होता है, ठीक है, 12 तक कुछ नहीं है, वो एक साल था जहाँ पे मैं निकाल के लेके गया हूँ एम्स, और शायद आगे भी अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम निकालता हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो वो 6-8 महीने की प्रिपरेशन ही होती है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी, और उसमें से सबसे क्रूशियल होते हैं लास्ट के 1-1.5-2 महीना, इन दो मंथ्स को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है, तो तीन चीजें बताई है, ये एक तरीके से ऐसे चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव कराने में हेल्प कर रही होगी, और इन्हीं की बदौलत मैंने 680 और 720 स्कोर किया था नीट के एग्जाम में, ठीक है, तो लास्ट में इन चीजों का इस्तेमाल करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे फोकस करो, थ्योरेटिकल चीजें समझो लेकिन प्रैक्टिस शुड बी प्रायोरिटी, ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, सारे जो फ्री नोट्स बता रखो वीडियो के अंदर सारे कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है athrav_720 आपका ही नंबर है, मैंने ये हैंडल बनाया था नीट के पहले कि भाई जब मैं एकदम पहले पहले इंस्टाग्राम पे आया था तब टारगेट था कि 720 लेके आएंगे, तो इंस्टाग्राम पे हैंडल का नाम लिखा है athrav_720, ठीक है, तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो।